और इधर बिहार के हड़ताली शिक्षकों ने सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है। बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अपनी दमनकारी नीति को तत्काल बंद नहीं करती है और संघ के साथ समझौता पूर्वक वार्ता की पहल करे। संघ के अध्यक्ष केदार पांडे और महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सरकार शिक्षकों को हल्के में ना ले। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से हमारा विरोध जारी रहेगा। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर केदार पांडे ने कहा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों ने बहुत पहले ही हड़ताल की सूचना सरकार को दे दी थी। इसके बावजूद सरकार ने शिक्षकों की समस्या पर ध्यान देने के बजाय अड़ियल रवैया अपनाते हुए मैट्रिक इंटर की परीक्षा आयोजित की और अब जब मूल्यांकन की बारी आई तो शिक्षकों की हड़ताल से सरकार के पसीने छूट रहे हैं। सरकार शिक्षकों पर दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार चाहे जितना भी दमन की कोशिश कर ले, सूबे के शिक्षक पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा हड़ताल शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षकों के साथ वार्ता करके समस्या का हल निकालना चाहिए। संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकार हमसे उलझने की कोशिश न करे, हम हक की कोई नई लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नए साथियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्रांति की धधक रही ज्वाला में ही आप तप कर कुंदन बनेंगे। देखते रहिए। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के लिए यह कोई नया आंदोलन नहीं है। हाँ, हमारे नए खून के जो नए साथी हैं उन पर इस प्रकार का दमन और सरकारी हमला, उनकी हकमारी का ये उनको यह पहला तजुर्बा होगा, लेकिन अभी वे इस क्रांति की ज्वाला में तपकर कुंदन बनेंगे। सोना जब आग में तपता है तभी कुंदन बनता है। आप मजबूत सिपाही, निष्ठावान सिपाही अभी आप अग्नि परीक्षा में दे करके निकलेंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ आपके विरुद्ध चल रही दमनात्मक कार्रवाई का अंतिम तक विरोध करेगा और जब तक दमनात्मक कार्रवाई, प्राथमिकी, निलंबन, वापसी लिखित रूप से सरकार नहीं करेगी, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि समझौता पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इसलिए डटे रहिए, अंतिम दम तक डटे रहिए। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 25 फरवरी से राज्य के सारे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्ण तालाबंदी और हड़ताल है। इसकी सूचना संघ ने सरकार को बहुत पहले से दे रखी है, लेकिन सरकार ने संज्ञान लेने के बजाय मूल्यांकन की तारीखें घोषित कर दी और अब हमारे शिक्षकों पर, जिनमें खास तौर से नियोजित शिक्षक हैं, दमन चक्र चला रही है। उन्हें निलंबित किया जा रहा है, उन पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वो दमन का रास्ता अख्तियार न करे। आज सचिव मंडल की बैठक में हड़ताल की समीक्षा की गई और ये फैसला लिया गया कि संघ दमन की किसी कार्रवाई के सामने झुकेगा नहीं और अपनी हड़ताल को शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से जारी रखेगा। हमने ये भी फैसला लिया है कि जिस जिले में जिस दिन निलंबन और प्राथमिकी संबंधी आदेश प्राप्त होंगे उस दिन धरनास्थल पर उसका होलिका दहन किया जाएगा और 4 तारीख को संपूर्ण राज्य में दमन विरोधी दिवस मनाते हुए दमन के प्रतीक पुतले का दहन किया जाएगा। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि वह वार्ता के द्वारा सौहार्द स्थापित करते हुए सम्मानजनक समझौते के द्वारा हड़ताल को समाप्त कराए और शिक्षकों को न्यायोचित हक दिलाने में मददगार हो ताकि इस प्रकार इस समस्या का निदान संभव हो सके।